नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम कैल्शियम से भरपूर मखाने का हलवा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ मखाना, मूंगफली को मैंने 2 घंटा पानी में भिंगो के रखा था, जिससे मूंगफली फूल गया है। सूजी, गुड़, किशमिश, पिस्ता, बादाम, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है और बादाम का तेल लिया है। सबसे पहले गुड़ को हम कटोरे में डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। कढ़ाई में मखाना डालेंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मखाना भुन गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यह अभी बहुत गर्म है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। मखाना को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। इसे कटोरे में निकाल लेंगे। मिक्सी के इसी जार में हम मूंगफली को डालेंगे। मैंने इससे सारा पानी निकाल लिया है, अब इसे भी पीस लेंगे। इसे भी कटोरे में निकाल लेंगे। कढ़ाई में बादाम का तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। बादाम का तेल बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और हम यहाँ हेल्दी हलवा बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बादाम का तेल ले रहे हैं। आप इसकी जगह पर शुद्ध घी या कोई और भी तेल ले सकते हैं। इसमें हम सूजी डालेंगे और इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। सूजी भुन गया है, अब हम इसमें मूंगफली का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें मखाना का पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर और भूनेंगे। यह सुनहरे रंग का हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गुड़ पानी में पिघल गया है, अब हम इसे छान लेंगे। यह 1 कप है, इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएं, नहीं तो यह तुरंत ही कढ़ाई की पेंदी से चिपक जाएगा। आप इसमें गुड़ की जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए, यह धीरे धीरे पेंदी को छोड़ने लगा है। अब हम इसमें कटी हुई ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। कैल्शियम से भरपूर मखाना का हलवा तैयार है। धन्यवाद।